दिन में यहाँ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की संस्कृति देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आदिवासी जो भाई बहने हैं वे एकजुट होकर आज अपने आदिवासी अस्तित्व को बता रहे हैं कि वे किस तरह एकजुट होकर हर क्षेत्र में वे कार्य कर सकते हैं। यहाँ हम हर प्रकार के नाच देखते हुए हर लोगों का समागम देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहनों की बहुत बड़ी एकता दिखाई दे रही है। आज का इस खुशनुमा मौसम को देख के आज खुदा भी कितना मेहरबान है। इतना दिन से हम बारिश से परेशान थे, आज का प्रोग्राम किस तरह से सुचारू रूप होगा हम चिंतित थे, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आदिवासियों के लिए खुदा इतना मेहरबान है कि आज के यहाँ रंगारंग कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जब नए बारिश आती है तो एक प्रकार का मणिपुटू का जो कीड़ा होता है लाल लाल, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे आदिवासी तपकरा क्षेत्र के जितने भी माता पिता भाई बहन मांदर की थाप में जो तिरक रहे हैं वो उत्साह हमें बहुत ही आनंदमय कर दिया है। और ऐसा लग रहा है कि सचमुच आज हम गर्व है महसूस करते हैं कि हम आदिवासी हैं, उराव समाज में बिलोंग करते हैं, खड़िया समाज में बिलोंग करते हैं और जितने भी यहाँ के जनजाति है वे आकर यहाँ पर अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इसके द्वारा हम पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कितने शांति प्रिय लोग हैं, जल जंगल जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, धर्म से ईश्वर से भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज आसमान ने भी अपना रूप बदल दिया है और हमारे लिए खुला आसमान कर दिया है। बादल यहाँ मंडरा रहे हैं लेकिन हमारे नाच गान को देख के वो भी कुछ देरी के लिए थम गए हैं और हमारे लिए कितने अच्छे मौसम कर दिए हैं। और आज का यह मौसम ऐसा लग रहा है पूरे विश्व को यही दिखा रहा है कि हम आदिवासी ईश्वर से कितने नजदीक रहते हैं, जल जंगल जमीन से कितने जुड़े रहते हैं। और आज हम यही बतलाना चाह रहे हैं पूरे दुनिया को कि धरा में इस धरती पर जो ईश्वर हमको बनाया सबसे पहले आदिवासियों को मूल निवासियों को बनाया है और उसको आज हम शुक्र गुजार कर रहे हैं ईश्वर को और एक साथ मिलकर जो आनंद मना रहे हैं, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो क्रियाकलाप है, आज हम कई सारे कार्यों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कई सारे हमारे खेलों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जिस तरह से अखेट के जमाने में शिकार कैसे खेलते थे, किस प्रकार माता पिता किसी भी जानवर को दौड़ाते थे, खेलते थे, कूदते थे और पकड़ लेते थे शिकार के लिए, उन सारे खेलों को आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बच्चों का भी आज जबरदस्त खेल होने वाला है और वो खेल है पटका झरा जिसको कहते हैं, बचपन में हम जो खेल खेलते थे, लड़ाई करते थे, उन खेलों को भी आज प्रदर्शन किया जाएगा। और इसी के साथ हमारे आदिवासी तीरंदाज में बहुत माहिर होते थे, उसका भी आज हम प्रदर्शन करेंगे। और इस प्रकार हम अपने पूर्वज से पुराने से पुराने खेलों का आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज तो आपके पास ये पहला झलक ही है जिसमें हम मांदर की ताल पे थिरक रहे हैं, इसके बाद में और सारे खेलों को वही आज हम प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ मैं पूरे विश्व के सभी आदिवासियों को जय जोहार करता हूँ और आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार हम आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाते हुए एकजुट होके हम आगे विश्व को हम एक दिन बतलाना चाहते हैं कि और गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। जय जोहार।
Thank you.
वाले बाजा वाले दल है, घुमरा बाजा वाले, आप लोग कृपया अपना बाजा लेके उधर चले जाएंगे। हमारे जितने भी हमारे बाजा वाले हैं भाई लोग आए हैं, कृपया आप लोग हमारे स्काउट गाइड के जो छात्राएं हैं वहां पर चले जाएंगे। और सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आज के हमारे विश्व इसके मुख्य कुछ ही क्षणों में हमारे आने वाले हम लोग अभी जो नाच कर रहे हैं ये हमारे लिए आपसे निवेदन है कि हमारी बाजा पार्टी को आप मेन रोड पर लेके जाएं। हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं और जितने भी हमारे भाई पैंकी डांस आने वाले हैं आप लोग भी कृपया बाजा के साथ मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए चले जाएंगे। बालिका छात्र
हेलो हेलो मुख्य मंच पर विराजमान करेंगे। तो आप लोग नाच और बाजा बंद कर देंगे। हाँ सभी तो बाजा बंद कर देंगे, बाजा बंद कर देंगे।
आज इस दिन में यहाँ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यहाँ आकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अपने आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज को रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। तो इस अवसर पर हमें अपने गर्व भी हो रहा है कि हम आदिवासी हैं और अपने लोगों के बीच में यहाँ आकर मैं बहुत ही गौरव महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल, और हमारी संस्कृति जो है बिल्कुल एक झलक दिखता है, संस्कृति को बचाने का जो मुहिम है हमारे आदिवासी भाई बहन कर रहे हैं, वो आज ये सामूहिक नृत्य जो कर रहे हैं, कैसा लग रहा है सर आपको? सर, ये जितने भी नृत्य दल है इनको बारीकी से देख रहा हूँ मैं, और सभी दल का सभी का नृत्य बहुत ही अच्छा है, और इसी तरीके से हमारे युवा की व्यक्ति अगर आगे आएंगे तो हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाज इसका संरक्षण हो सकेगा। धन्यवाद सिस्टर। कैसा लग रहा है आज? यहाँ का हर प्रकार का नाच देखकर और यहाँ की संस्कृति देखकर ऐसा लग रहा है कि आज आदिवासी जो भाई बहने हैं वे एकजुट होकर आज अपने आदिवासी अस्तित्व को बता रहे हैं कि वे किस तरह एकजुट होकर हर क्षेत्र में वे कार्य कर सकते हैं। यहाँ हम हर प्रकार के नाच देखते हुए हर लोगों का समागम देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हमारे आदिवासी भाई बहनों की बहुत बड़ी एकता दिखाई दे रही है। आज का इस खुशनुमा मौसम को देख के आज खुदा भी कितना मेहरबान है, इतना दिन से हम बारिश से परेशान थे, आज का प्रोग्राम किस तरह से सुचारू रूप होगा हम चिंतित थे, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हम आदिवासियों के लिए खुदा इतना मेहरबान है कि आज के यहाँ रंगारंग कार्यक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जब नए बारिश आती है तो एक प्रकार का मणिपुटू का जो कीड़ा होता है लाल लाल, उसी प्रकार यहाँ पर हमारे आदिवासी तपकरा क्षेत्र के जितने भी माता पिता भाई बहन मांदर की थाप में जो तिलक रहे हैं वो उत्साह हमें बहुत ही आनंदमय कर दिया है, और ऐसा लग रहा है कि सचमुच आज हम गर्व है महसूस करते हैं कि हम आदिवासी हैं, उराव समाज में बिलोंग करते हैं, खड़िया समाज में बिलोंग करते हैं, और जितने भी यहाँ के जनजाति है वे आकर यहाँ पर अपना रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसके द्वारा हम पूरे विश्व को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कितने शांति प्रिय लोग हैं, जल जंगल जमीन से कितने जुड़े हुए हैं, धर्म से ईश्वर से भगवान से कितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि आज आसमान ने भी अपना रूप बदल दिया है और हमारे लिए खुला आसमान कर दिया है, बादल यहाँ मंडरा रहे हैं लेकिन हमारे नाच गान को देख के वो भी कुछ देरी के लिए थम गए हैं, और हमारे लिए कितने अच्छे मौसम कर दिए हैं, और आज का यह मौसम ऐसा लग रहा है पूरे विश्व को यही दिखा रहा है कि हम आदिवासी ईश्वर से कितने नजदीक रहते हैं, जल जंगल जमीन से कितने जुड़े रहते हैं, और आज हम यही बतलाना चाह रहे हैं पूरे दुनिया को कि इस धरा में इस धरती पर जो ईश्वर हमको बनाया सबसे पहले आदिवासियों को मूल निवासियों को बनाया है, और उसको आज हम शुक्र गुजार कर रहे हैं ईश्वर को, और एक साथ मिलकर जो आनंद मना रहे हैं, हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो क्रियाकलाप है, आज हम कई सारे कार्यों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कई सारे हमारे खेलों का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिस तरह से आखेट के जमाने में शिकार कैसे खेलते थे, किस प्रकार माता पिता किसी भी जानवर को दौड़ाते थे, खेलते थे, कूदते थे और पकड़ लेते थे शिकार के लिए, उन सारे खेलों को आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बच्चों का भी आज जबरदस्त खेल होने वाला है, और वो खेल है पटका झरा जिसको कहते हैं, बचपन में हम जो खेल खेलते थे लड़ाई करते थे उन खेलों को भी आज प्रदर्शन किया जाएगा, और इसी के साथ हमारे आदिवासी तीरंदाज में बहुत माहिर होते थे उसका भी आज हम प्रदर्शन करेंगे, और इस प्रकार हम अपने पूर्वज से पुराने से पुराने खेलों का आज हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज तो आपके पास ये पहला झलक ही है जिसमें हम मांदर की ताल पे थिरक रहे हैं, इसके बाद में और सारे खेलों को वही आज हम प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
और इसी के साथ मैं पूरे विश्व के सभी आदिवासियों को जय जोहार कहता हूँ। और आज के इस सुंदर दिन के लिए मैं आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार हम आदिवासी जल जंगल जमीन को बचाते हुए एकजुट होके हम आगे विश्व को हम एक दिन बतलाना चाहते हैं कि और गर्व से कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। जय जोहार पर सबों को जोहार, जय जय आदिवासी। हम लोग बहुत खुश हैं और इस आदिवासी दिवस में 2024 हम लोग को बहुत खुशी का दिन है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश है। सबों को जोहार। हमारी संस्कृति इतनी सुंदर है कि हम लोग उसमें रम जाते हैं और इतने खुश हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं कि गा रहे हैं। और अभी हम लोग अपनी खुशी का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए नाचना शुरू करते हैं। हम हमारे सरकार को दिल से थैंक यू बोलते हैं कि हमारे लिए आदिवासी दिवस आज का दिन रखा है। हम आज आदिवासी दिवस मना रहे हैं। हम आदिवासी जन जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। हम हमारे संस्कृति की रक्षा करें, इसी के साथ हमारा पहरावा सब कुछ हमारा आदिवासी है। आज आदिवासी के दिवस पर हम खुश हैं और सारे देश से थैंक यू बोलना चाहते हैं जो हमारे आदिवासी दिवस का इस दिन को स्थापित किया है। सारे देश से हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं और सबों को इस आदिवासी दिवस में सबों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ आदिवासी, जय आदिवासी।
रुके रुके रुके, छोड़ी छोड़ी छोड़ी, हाथ को छोड़ी, घुसने दीजिए घुसने दीजिए। बीच में आ जाएंगे, बीच में बीच में बीच में, कलाकारों से निवेदन है बीच में आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर ये पलकी खेल जो हमारे गांव घर से जुड़ा हुआ, हमारे आदिवासियों से जुड़ा हुआ पारंपरिक प्राचीन पलकी खेल है। बाजे के साथ तलवारबाजी, प्रदर्शन हम इसमें देखते हैं। Father!
हमारी बहनें मिसेस अर्चना मिसेस डोमिनिका भी आ गए हैं, ताली बजा दीजिए उनके नाचने के शुभकामनाओं के लिए। क्या आप लोगों को नाचने की इच्छा नहीं हो रही है? मुझे भी नाचने की इच्छा हो रही है। क्या मजा है, वाह वाह वाह। बेंदावे से लग गई ना, हाँ बेंदावे से लग गई ना, निमाने का रेज दी माँ लग गई बाजा में ना मैं ना। बहुत सुंदर, अभी ज्यादा भाई बहन नाच रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। और एक किली आ रहा है, अभी किली नामने की किली नामने की किली आइए 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 विशेष पहल पर और उनके अगुवाई में ये पैकी खेल का प्रदर्शन पहली बार यहाँ पर हो रहा है। तो कला 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 हमारे यंग जवान, हमारे पन्नी पुरोहित और हमारी पन्नी को नए सिरे से आगे बढ़ाने के लिए तत्पर नई नई योजना और विधायक उनके दिल दिमाग में है। पैकी खेल को कराने में उनका विशेष योगदान है, विशेष पहल है। और इस तरह से वो बीच में आ चुके हैं और पूरी तरह से आदिवासियत के बड़ा बलुआ पकड़ते हुए पैकी खेल में इधर देखिए मंच के सामने ये पैकी खेल का सुंदर प्रदर्शन, एक नंबर। Hey, go, 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 go,
बहुत अच्छा
एक से एक, हम किसी से कम नहीं। और कुछ है तो हेलो। ये तो पैंकी लड़ने वाली बा। और ये देखे नई विधा, इस तरह का खेल पहले हमारे आदिवासी पूर्वज हमारे भाई बंधु खेला करते थे। भालू, भालू। ध्यान से दिल थाम के देखिए। अरे बाप रे, इसीलिए मैं बोल रहा था ध्यान से हाथ पैर को बचा के हाथ पैर को बचा के रे भाई। जोरदार जोरदार ताली बजाएंगे भाई, उत्साहवर्धन करेंगे। जब भी कोई हमारा छोटा कलाकार आता है जोर से ताली बजाएंगे ताकि उनका जोश बढ़े। ये सफल हो गया, सफल हो गया। घोड़ा जाम, वाह, जोर से ताली बजा देंगे भाई इनके लिए, इनके लिए जोर से ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये है घोड़ा जाम। और थोड़ा ऊपर उठो बेटा। हाँ वाह। अंत में सबके लिए नाश्ते की व्यवस्था है भाई, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। हमारे नाश्ते का भी थोड़ा सा इज्जत रखेंगे तो खा के जाएंगे, कोई ऐसे नहीं जाएंगे जिनको जितना हो सके। तो नाश्ते की बात कर दिया तो कार्यक्रम अभी ताकि प्रोग्राम जल्दी से जल्दी हो सके। ये है पटका झरा, पटका झरा, पटका झरा, जोर लगाएगा, जोर लगाएगा। हो 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 हो। आधुनिक कुश्ती नए तरीके से लड़ी जाती है, पुरानी कुश्ती वो उधर एक चल ही रहा, चल ही रहा, जोर लगा दो। ज्यादा हल्ला कर दिए तो डर गए लग रहा है बच्चे। बहुत अच्छा से जीत के तो बहुत ज्यादा संख्या हो जा रही है, तो संख्या थोड़ा कम कर रहे हैं हम लोग। तीन तीन जन रहेंगे, तीन तीन जन। हाँ तीन तीन जन, तीन तीन, पांच पांच की जगह में तीन तीन। अपने सबसे बुलंद बुलंद और एकदम छोटा सा शिकारी लोग तैयार रहिए अपना दांव पेच अजमाने के लिए। रखेले जानी कम दे पगारी बांध। हलो रे सोना बारो बारिश में हलो आशीष पानी बरसात हो गई है। हाँ खेल शुरू किया जाए हम लोग। अपने जगह में खड़े नहीं रहना है, जाके पकड़ना है। गेम शुरू कर रहे हैं आप लोग, एकदम तैयार रहिएगा, है ना।
यहाँ पे बाहर वाले तो जय हो। धन्यवाद। डबल डबल मत रखियो को राजा 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 हरियो। चलो 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 हरियो।